आए दिन तेज रफ्तार के साथ वाहन चलाए जाने से शहर में दुर्घटनाएं हो रही है। ऐसी एक घटना सदर थाना अंतर्गत आने वाली पूनम चैम्बर पुलिया पर हुई है। तेज रफ्तार के साथ दोनों चार पहिया वाहनों की आपस में भिड़ंत हुई। इस दुर्घटना में दोनों वाहन चालक बुरी तरह से घायल हुए हैं। शहर के अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। सदर पुलिस आगे की जांच कर रही है। आए दिन शहर की सड़क हो या फिर फ्लाईओवर, तेज रफ्तार के साथ वाहनों का आवागमन रहता है। हर कोई जल्दी जाने के चक्कर में अपने वाहन दूसरे वाहनों को टकरा रहे हैं, जिससे दुर्घटना का ग्राफ बढ़ा हुआ है। ऐसी एक घटना सदर थाने के अंतर्गत आने वाली पूनम चैम्बर फ्लाईओवर पर हुई है। वाहनों की भिड़ंत में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। दिलीप ठाकरे अपने मित्र कृष्णा वानखेड़े के साथ WCL सिलेवाड़ा यहाँ पर फ्लाईओवर से जा रहे थे। उसी दौरान सदर स्थित पूनम चैम्बर फ्लाईओवर से सावनेर से नागपुर आ रही बलोनी चार पहिया वाहन भी आ रहा था। दोनों वाहन की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। दोनों वाहनों की तेज रफ्तार होने से वाहन चालक अपने वाहन से संतुलन खो बैठे, जिससे दोनों वाहनों में जोरदार भिड़ंत हुई। दोनों वाहन काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं। दुर्घटना में घायल हुए दिलीप हेमराज ठाकरे, कृष्णा वानखेड़े, सुनील कनाड़े, ममता कनाड़े, विजय देशमुख आदि घायलों पर शहर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है। सदर पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस घटना के बारे में सदर के PSI गंगा काचोरे इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। आज दिनांक 18/6/2021 रोजी पूनम चैम्बर समोरील उड्डाण पुलावर एक मोठी अपघाताची घटना घडलेली आहे। अल्टो गाडी क्रमांक MH 31DK 5017 चे चालक दिलीप हेमराज ठाकरे आणि त्याचे मित्र कृष्णा वानखेडे यांच्यासह सिल्लेवाडा त्याचे घरून सिल्लेवाडा येथे जात होते। समोरून येणारी कोराडी मार्गाने नागपूरकडे येणारी बलनो कार क्रमांक MP04CV 8506 चा चालक विजय यादवरावजी देशमुख वय 47 वर्ष राहणार हिवरखेड तालुका मुलताई हे त्याचे जावई सुनील कनाडे यांच्या कॅन्सरच्या उपचारासाठी त्याचे बहिणीसह वखाड हॉस्पिटलकडे जात होते। त्यावेळेस दोन्ही कार एकमेकाला धडक दिली आणि दोन्ही गाडीमधील चालक आणि त्याच्यामध्ये बसलेले हे जखमी झालेले आहेत। आल्टो कारचे चालक दिलीप ठाकरे यांचा उपचार अलेक्सिस हॉस्पिटल आणि त्यांच्यासोबत असणारे कृष्णा वानखेडे यांचा उपचार कुणाल हॉस्पिटल येथे आणि बलेनो कारमधील जखमी तिन्ही जखमी आहेत त्यांचा उपचार लोणार हॉस्पिटल धंतुली येथे सुरू आहे। आम्ही अपघाताची चौकशी करून पुढील कारवाई करत आहोत। आए दिन तेज गति से वाहन चलाना किसी दुर्घटना से कम नहीं है और इस प्रकार की दुर्घटना पूनम चैम्बर के सामने के ब्रिज पे हुई है, जहां दो वाहन आमने सामने में टकरा गए और इतने जोर से टकरा गए कि जिसके चलते दोनों वाहन चालकों को अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है और इसकी शिकायत पुलिस थाना सदर में की गई है और पुलिस आगे की जाँच कर रही है। सदर पुलिस थाने से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मिरे, BCN न्यूज़ नागपुर।